अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं रेशमी चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो चिकन लिया है, बोन के साथ लिया है। इसको अच्छे से धोकर रखेंगे। 3 प्याज लिए बड़े, इसको चॉप करके लेंगे। आधा नींबू और 3 हरी मिर्चें। ये फ्रेश क्रीम मलाई है, ये 3 टेबल स्पून भर के लिए है मैंने। दही लेंगे 1/2 किलो, 250 ग्राम। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये 3 टीस्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 10 से 12 काजू, ये खड़े गरम मसाले हैं, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और 3 हरी इलायची लिए। ये धनिया जीरा भूनकर पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। नमक डालेंगे, हरा मसाला, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। दही डालेंगे, आधा नींबू डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये रेशमी चिकन है, एकदम मुलायम बनती है, बहुत मज़ेदार। और इसको आप आधा घंटा कम से कम छोड़ो मसाला लगाकर। ये अच्छे से मिक्स करके ले लिया मैंने, इसको आधा घंटा छोड़ेंगे, तब तक हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसमें प्याज डालेंगे, अरे काजू भी डालेंगे, और इसको कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। हल्का गुलाबी कलर होना चाहिए इसका। ये देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका, इस तरह से होना चाहिए। इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अब इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे और इसका पेस्ट बना कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि अच्छे से पीस जाए। मैंने सेम बर्तन लिया है, उसमें तेल डाला है 4 बड़े चम्मच। अब इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। और मैंने प्याज और काजू का पेस्ट बना कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे। बाद में हम लोग इसमें जार में से थोड़ा सा पानी डालकर लेंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट भुनना है। अच्छे से इसको भून कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से 5-6 मिनट भून कर लिया है। इसको हिलाते रहेंगे, हाई फ्लेम पे भुनेंगे, क्योंकि इसमें काजू है तो लगता है। इस तरह से देखिए, अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम लोग मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। और चिकन डालने के बाद भी इसको हाई फ्लेम पे भुनना है। इसको अच्छे से भुनेंगे और पानी थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि दही का पानी वगैरह रिलीज होगा।
अब इसमें हम लोग ये मिर्ची भी डालेंगे, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालो। अब इसको भुनने देते हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुका है और मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया ताकि चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब इसका लास्ट स्टेप बाकी है, इसको कोयले का धुआं देना है, इससे और भी मज़ेदार बनेगा ये। अब गैस बंद करेंगे और इसको कोयले का धुआं देते हैं। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए चिकन पकते हुए। अब इसमें हम लोग गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, और फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको और 5 मिनट पकने देंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने भून कर लिया है, तेल इसका रिलीज हो गया। 5-7 मिनट भून कर लिया है, देखिए कितना इसमें पानी है अभी भी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जो मसाला था उसमें पानी डालेंगे, मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहती है, चिकन पकना चाहिए इसके लिए। अब इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। मैंने कटोरी रखी है, उसमें कोयला रखा है जलता हुआ, और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और फौरन इसको कवर करेंगे। इसका धुआं जाने तक इस तरह ढक कर रखेंगे। ये देखिए मज़ेदार और टेस्टी रेशमी चिकन बनके तैयार है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इसको आप रोटी के साथ, रुमाली रोटी और पराठे के साथ तो बहुत मज़ेदार लगता है, चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।